काफ्स को इग्नोर कर देना बस, काफ्स की मेरे जेनेटिक्स ही खराब है। मेरा इंसर्जन ओरिजिन बहुत हाई है काफ का, मसल का। मेरा जो अकेलेस टेंडन है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इस वजह से मेरी काफ, चाहे मैं कितनी भी ट्रेन करूं, मेरी काफ छोटी ही लगती है। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक। ये भी एक ट्रेनिंग वीडियो है, इसमें मैंने अपना सारा का सारा आपको जो लेग्स का वर्कआउट है वो दिखाया, सेट रैप वगैरह मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। यही होता है मेरा वार्म अप, थोड़े से डायनेमिक स्ट्रेचेस, उसके बाद मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के मैं लेता हूँ एक दो सेट जो कि वार्म अप होते हैं, उसके बाद मेरे मेन सेट शुरू हो जाते हैं। और आज भी मैंने चप्पल ही पहनी हुई है। लेग्स मैं यूजुअली चप्पल में ही करता हूँ, क्योंकि बार बार शूज़ उतारने पड़ते हैं, लेग प्रेस वगैरह करते हुए अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए मैं चप्पल ही पहन के आ जाता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज यूजुअली मेरी कोई भी हैमस्ट्रिंग कर्ल होती है, आज मैं सीटेड कर रहा हूँ, कभी कभार मैं लाइंग लेग कर्ल भी करता हूँ। इसके दो रीज़न है करने के, पहला रीज़न है कि मेरे जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत वीक है क्वाड्स के मुकाबले, इसलिए भी मैं पहले करता हूँ। और दूसरा रीज़न है मेरा अच्छे से वार्म अप हो जाता है, बाकी जो आने वाली हैवी मूवमेंट्स हैं उनमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती करने में। लास्ट सेट है ये मेरा, ड्रॉप सेट है ये, सेकंड लास्ट सेट जितना इसमें वेट है। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले जो कि है लेग प्रेस, उससे पहले मैं दो सेट कर लेता हूँ लेग एक्सटेंशन के 25-25 के, उससे मेरे क्वाड्स अच्छे से एंगेज हो जाते हैं। और जब मैं लेग प्रेस करता हूँ तो सारा फोकस मैं क्वाड्स पे कर पाता हूँ। तो सब लोगों को क्वेश्चन होता है कि आपको लेग प्रेस करते हुए स्टांस कहाँ पर रखना चाहिए। अगर आप लोग स्टांस को हाई रखोगे, ऊपर रखोगे प्लेटफॉर्म के सबसे ऊपर, तो ग्लूट पे फोकस ज़्यादा आएगा आपके, और अगर नीचे रखोगे तो आपके क्वाड्स पे फोकस ज़्यादा आएगा। एक क्वेश्चन और होता है लोगों का कि आपका स्टांस वाइड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, या फिर शोल्डर विड्थ होना चाहिए। आप जिस जैसे आप स्क्वाट करते हो ना, वही स्टांस आपका लेग प्रेस पर भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका शोल्डर विड्थ, और 10 से 12 डिग्री आपके टोज बाहर होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आप लेग प्रेस करो तो आप अपनी हील से पुश करो वेट को, ना कि अपने पंजों से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी लेग एक्सटेंशन, इसके मैं करूंगा तीन सेट, तीनों के तीनों होंगे फेलियर, और लास्ट वाला ड्रॉप। No.
एक्सरसाइज है मेरी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, इसके मैं करूँगा 3 सेट, तीनों फेलियर। इसमें मैं ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है ड्रॉप करने की। बहुत लाइट वेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये मैं सिंगल सिंगल लेग से करता हूँ, जिस लेग से मैं करता हूँ उस हाथ में मैं वेट ले लेता हूँ और इसके बाद मेरा वर्कआउट खत्म है, ये मेरा एंड है। और इसका मैं आपको एक ही सेट दिखा रहा हूँ, मेरा फोन डेड होने वाला है, बैटरी नहीं है। तो वर्कआउट मेरा डन हो चुका है, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों इस वीडियो से रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।